एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरल अवेयरनेस. ठीक है, वेलकम ममता, वेलकम जयप्रकाश, जयसाक्षी, मेहुल, वेलकम. चलो भाई, तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. कल वाले में समझ में आया था कुछ? ओके, आज हम बात करने वाले हैं सीमेट का पार्ट टू. ठीक है, पार्ट टू जीएस का. गुड आफ्टरनून वैभव. ठीक है, तो पार्ट टू में आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, यू हैव यू ऑल नो दैट कि सीमेट में 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं जीएस के. ठीक है, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड. क्लियर, वेलकम एसके, वेलकम कनक. चलो भाई, आज की क्लास में फिर से मजा आने वाला है. वेलकम अमन, ढंग से पढ़ाई करना बहुत मजे से. ठीक है, चलो, ये जो है सेशन है, स्पेशल सेशन है जनरल अवेयरनेस का. गुड आफ्टरनून, वेलकम नेहा, कौशल, गुड आफ्टरनून जपाक्षी, वेलकम सुप्रिया, अनिकेत. चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं. वेलकम अंबर. तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? जनरल अवेयरनेस पढ़ना है 25 क्वेश्चंस के लिए, जिसमें लिटरेचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर के लिए सुन लो. वेलकम एवरीवन, वेलकम स्वाति, वैभव, योगेश, सिद्धार्थ, आदित्य, निधि, आकांक्षा, वेलकम एवरीवन, वेलकम राहुल. देखो भाई, अभी मैं एक चीज आपको बता दूं कि एक व्हाट्सएप का ग्रुप मैं आपको दे रहा हूं. ठीक है, मैंने उस पर नवंबर और दिसंबर की पीडीएफ डाल दी है. ठीक है, तो आप उस पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा. जस्ट अ सेकेंड. वेलकम वेलकम एवरीवन. ज्वाइन दिस ग्रुप. ठीक है, मैंने पिंग कर दिया है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, हाँ मैंने कर दिया निधि, मैंने कर दिया है, पिंग कर दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, ताकि आपको और भी पीडीएफ मिलती रहे. वेलकम एवरीवन. चलो भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम. चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पोल को. ठीक है, इसका आंसर लगाओ सभी लोग. कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नोन एज शयात्री. आपके ऑप्शन है सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और अरावली. चलो इसका आंसर बताओ. वेरी गुड, 20 सेकेंड्स है, सब लोग आंसर लगाओ. कोई भी कमेंट सेक्शन में आंसर मार्क नहीं करेगा. ठीक है, नो बडी विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सीधे सीधे आपको यहां पर आंसर देने हैं. वेलकम ब्यूटी, वेलकम दशारी. चलो जल्दी से इसका आंसर लगाओ. गुड, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोगों को पता चल गया होगा. सबसे तेज आंसर दिया है संदेश ने, फिर उसके बाद कार्तिक, उसके बाद श्रीनाथ. ठीक है, उसके बाद ग्रीश है, राज है, रोहित है और फिर आता है सौंदर्य. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा. ध्यान रखना, जब भी शयात्री की बात की जाएगी तो शयात्री जो होती है वो भारत के कौन से वाले भाग में? देखो यहां पर आपको याद रखना है, ऐसे आता है, इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट. ठीक है, ये वेस्टर्न घाट हो जाता है, ये ईस्टर्न घाट हो जाता है. ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम डाइवर्सिटी. याद रखना, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बोला जाता है, या मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी. मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी भी कहां मिलती है? वेस्टर्न घाट में मिलती है. अच्छा, अरावली रेंज कहां पाई जाएगी जरा बताओ? वेयर इज अलावरी रेंज? वेलकम मीनाक्षी, सचिन, अंशित, जानवी. हाँ, मैं जो अरावली रेंज होती है ना, वो ऊपर पाई जाती है, ध्यान रखना. ठीक है, ऊपर पाई जाती है. ईस्टर्न घाट आपका ये वाला एरिया होता है, ये वाला, दिस इज नोन एज ईस्टर्न घाट. दिल्ली टू राजस्थान इज अरावली रेंज. वेरी गुड लकी. ठीक है, और सतपुड़ा के जंगल जो एमपी की तरफ पाए जाते हैं, ये जो बीच में आते हैं ना, इनको बोला जाता है सतपुड़ा के जंगल. ठीक है, बचपन में कविता पढ़ी होगी, क्लास नाइन्थ में हिंदी में पढ़ी होगी, सीबीएसई बोर्ड से अगर होगे तो, सतपुड़ा के जंगल. याद है कि भूल गए? हाँ, ये क्वेश्चन आ चुके हैं. कौशल, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. ठीक है, दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. हाँ हाँ, मन फिर से याद कर रहे ना, आपको समझ में आ जाएगा. नहीं नहीं, मैंने अभी इसमें करंट के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप टेंशन मत लो रोहित. ठीक है, मैंने करंट के किए हुए हैं.
ठीक है। अच्छा नहीं पढ़ी श्रद्धा, पढ़ना, बड़ी अच्छी कविता है वो। चलो एनीवेज, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी वेस्ट बंगाल वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। ये वाला जो सेक्शन होता है इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। अलावरी रेंज जो होती है वो इंडिया के ऊपर वाले भाग में आती है, और जो सतपुड़ा के जंगल है वो एमपी वाले रीजन में आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात? जल्दी से थम्स अप दो सभी लोग। गुड, चलो अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैं पोल शुरू कर रहा हूं, ठीक है? मार्क योर आंसर ऑन द पोल। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोक डांस एंड स्टेट नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है? झूमर गुजरात, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बहुल वेस्ट बंगाल। चलो इसका आंसर लगाओ। कौशिक, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ईस्ट वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट फर्स्ट वाले का आंसर है वेस्टर्न घाट। वेलकम स्नेहा, वेलकम संध्या, जल्दी से आंसर लगाओ। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। वेरी गुड, देखो फर्स्ट पे आए हैं कार्तिक, सेकंड इज राज, देन सौंदर्य, निधि, योगेश, संकल्प, एंड द लिस्ट गोज ऑन। देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ध्यान रखना ये गुजरात का नहीं है। गुजरात का बताओ क्या है, गरबा सुने हो कि नहीं? नवरात्रि के समय पे होता है, 9 days फेस्टिवल होता है ये, ठीक है? 9 days फेस्टिवल गरबा होता है, ये गुजरात में होता है। जो कि झूमर जो होता है ये पंजाब का डांस है, ठीक है? ये पंजाब में मनाया जाता है, ध्यान रखना। दिस इज द फोक डांस ऑफ पंजाब। अच्छा तमाशा जो है इज अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। कजरी जो है वो फोक डांस है उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ का है। और बाउल जो है वो वेस्ट बंगाल में। बाउल के बारे में एक चीज याद रखना, ये लाइफ के सैड मोमेंट्स और लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स के ऊपर एक गाना बनाया जाता है, उसके ऊपर ये डांस किया जाता है, ठीक है? तो लाइफ के सैड और हैप्पी मोमेंट्स दोनों के लिए वो चीजें बनाई जाती हैं। हाँ गरबा गुजरात के लिए होता है लकी, ठीक है? वेरी गुड, ठीक है। यूपी में तो बड़ा मजा है भाई, हमारे यहाँ तो पता है यूपी में कभी कभी वो कजरी नहीं देते हैं, नौटंकी देते हैं, तो अपने यहाँ नौटंकी भी मानी जाती है। तमाशा जो है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक तमाशा वर्ड है जो कि महाराष्ट्र का डांस है, अपने यहाँ नौटंकी होती है। देखा ना गांव में नौटंकी मनाई जाती है, वो नौटंकी वाला काम चलता था अपने यहाँ तो, ठीक है? तो नौटंकी भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? हाँ नौटंकी मनाई जाती है ना अपने यहाँ गांव में, खूब होती है ये। चलो एनीवेज अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। हेयर इज योर पोल, मैं पोल शुरू कर रहा हूँ, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स ऑफ। ये कल हमने डिस्कस भी किया था, दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस यस्टरडे ऑल्सो। आंसर मार्क करो पोल पर। हेलो अपूर्व, बेटा कौशिक यहाँ आंसर नहीं देना आपको, कमेंट सेक्शन में आंसर मत देना कभी भी। और जिन लोगों के पास ये शीट नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आई विल सेंड दैट, ठीक है? मैं भेज दूंगा उस चीज को, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने पिंक कर दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? चलो ये रहा भाई, राज इज ऑन द फर्स्ट, देन सौंदर्य, देन निधि, योगेश, संदेश, कार्तिक, ग्रीश। देखो भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाइकेंस, ठीक है? लाइकेंस विल बी दिस आंसर। कल आपको बताया भी था कि लाइकेंस क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अल्गी एंड फंगस। अल्गी एंड फंगस, फंगस और अल्गी का क्या होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है? जैसे अपना आपका और उनका होता है, जिनका भी आप मानते हो उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि नहीं है, ठीक है? तुम उन्हें रात में फोन करो फिर वो तुम्हें फोन करें, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, दिस इज नोन एज लाइकेंस, ठीक है? तुम सबके सब लाइकेंस बन गए हो, है कि नहीं? अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टडीज की क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ अल्गी इज नोन एज। अच्छा सुनो अब काम की बात सुनो, स्टडी ऑफ अल्गी इज नोन एज, स्टडी ऑफ अल्गी, अल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ अल्गी इज नोन एज, इसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी, ठीक है? माइकोलॉजी, ठीक है? स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ अल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, ठीक है? अच्छा इनको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, लाइकेंस इज ऑल्सो नोन एज हेलो बायोंट। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, हेलो बायोंट, ध्यान रखना। लाइकेंस को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है विच इज नोन एज हेलो बायोंट, ठीक है? हेलो बायोंट, क्लियर?
चलो अच्छा एक चीज देखो, ये एफिड जो है ना, एफिड एफिड एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, ये एक इंसेक्ट होता है। आर्गोट जो होती है एक बर्ड होती है, आर्गोट एक बर्ड है, ठीक है। और श्रिम्प जो होते हैं ना, वो स्मॉल जो जैसे बोला जाता है इनको, एस्के हेलमेंथीस होते हैं ये, एक्चुअल में एस्के हेलमेंथीस नहीं होते हैं, ये जो छोटे छोटे कीड़े नहीं होते हैं जो पानी में हो जाते हैं, वाटर बॉर्न जो आपके वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म समझ लो आप, ठीक है, वाटर बॉर्न वॉर्म्स जो होते हैं उनको बोला जाता है श्रिम्प्स, ठीक है। तो श्रिम्प्स होते हैं वाटर बॉर्न, हाँ वाटर एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स आप नहीं कह सकते, एक्चुअल में वॉर्म टाइप के होते हैं कौशिक, ठीक है, वॉर्म्स टाइप के होते हैं। तो और अर्गट जो होती है वो बर्ड होती है, एफिड जो होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं, लाइकेन्स अभी बताया, हेलोबायोन्ट होता है, ठीक है। और इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी इनकी स्टडी को बोला जाता है लाइकेनोलॉजी, ये ध्यान रखना। वेलकम नितिन, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शंस दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करो इसका। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। क्वेश्चन कह रहा है, एट बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन, अंडमान आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, मेनिक्वाय। चलो भाई इसके आंसर, मार्क योर आंसर ऑन द बुक। ओके प्रशांत, लेकिन पता है बायोलॉजी इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, पता है अपने बारे में पता करना है सब कुछ, है ना, तो क्योंकि आपने पढ़ी नहीं इसलिए टफ लग रही है। वेलकम शीतल, नेत्री गुड आफ्टरनून, वेलकम श्याम। चलो देखो भाई पोल आ गया, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, ठीक है। राज इज ऑन द फर्स्ट, देन गिरीश, देन सौंदर्य, देन निधि, योगेश, जयप्रकाश, जपाक्षी सॉरी, ठीक है, उसके बाद शेफाली है। देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडमान आइलैंड, ध्यान रखना ये पोर्ट ब्लेयर से, अंडमान आइलैंड की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर से ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अबाउट 138 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इट इज द ओनली प्लेस वेयर इंडिया का अपना जो बैरन आइलैंड, मतलब जो बैरन द्वीप है वहां पर एक ही वॉल्केनो है जिसको हम बैरन वॉल्केनो कहते हैं, ठीक है, ओनली वॉल्केनो इंडिया है इज नोन एज बैरन वॉल्केनो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कंट्री ऑफ वॉल्केनो कौन सी है, कंट्री ऑफ वॉल्केनो, सबसे ज्यादा वॉल्केनो कहाँ है, कंट्री ऑफ वॉल्केनो कौन सी है बताओ। नहीं भाई सोनाशी आपको दिख नहीं रहा है, अरे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, बताओ आर यू गेटिंग द इट क्लियर, ठीक है। देखो भाई ऑप्शंस, अच्छा ऑप्शंस तुम लोग बहुत लेते हो बेटा, ऑप्शंस हर जगह मत रखना गड़बड़ हो जाएगा। एनीवेज देखो ऑप्शंस में दे दे रहा हूं मैं आपको, जापान दे देते हैं, न्यूजीलैंड जो जो आए हुए हैं, फिर एक इंडोनेशिया भी आया हुआ था, इंडोनेशिया, और फिर एक आपको दे देते हैं इंडिया, चलो इंडिया ही मान लो, क्या ही दिक्कत है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडोनेशिया, ध्यान रखना इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को कहा जाता है कंट्री ऑफ वॉल्केनो। और रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर किसको कहा जाता है। नहीं आकांक्षा बेटा इसका आंसर इंडोनेशिया होगा, ठीक है, रिंग ऑफ फायर भाई कार्तिक, रिंग ऑफ फायर, लोकेंद्र रिंग ऑफ फायर पूछ रहे हैं आपको, रिंग ऑफ फायर इज नोन एज, नहीं, न्यूजीलैंड नहीं होता जपाक्सी, हाँ निधि ने आंसर सही दिया है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन को, पैसिफिक ओशियन जो है उसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन भी वहां पर होते हैं, तो पैसिफिक ओशन इज नोन एज रिंग ऑफ फायर, कंट्री ऑफ वॉल्केनो इज इंडोनेशिया, करेक्ट। उसके देखो पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा वॉल्केनो भी है, वो आपके अर्थक्वेक भी आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कौन से महासागर में आते हैं, इन विच ओशियन देयर इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स, तो ये ध्यान रखना उसका आंसर पैसिफिक ओशन होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पैसिफिक ओशन से, मैरियाना ट्रंच, मैरियाना ट्रंच, ठीक है, तो मैरियाना ट्रंच भी आपका कहां पर है, पैसिफिक ओशन में है, ध्यान रखना पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है मैरियाना ट्रंच भी, ठीक है। मैरियाना ट्रंच इज द डीपेस्ट पॉइंट, ये कहा जाता है डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, ठीक है, चाहे वो वाटर के अंदर हो चाहे वो लैंड के अंदर हो, ये डीपेस्ट पॉइंट होता है मैरियाना ट्रंच, पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, हाँ इसी को डीपेस्ट पॉइंट कहा जाता है, क्लियर। लार्जेस्ट डीप नहीं होता बेटा, डीपेस्ट पॉइंट होता है, लार्जेस्ट डीप तो कुछ नहीं होता ना, डीप अपने आप में ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका भी ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई,
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी द मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। चलो भाई लगाओ इसका आंसर, पोल आ गया है, जल्दी से मार्क करो। वेरी गुड। नहीं सर्वेश, कमेंट सेक्शन में नहीं बेटा, कमेंट सेक्शन में सिर्फ प्रॉब्लम पूछो बस, बाकी आपको यहां पर आंसर देने हैं। पोल पर आंसर मार्क करो, मार्क योर आंसर ऑन द पोल, और थम्स अप देते रहा करो, खाली बैठे हो थम्स अप ही दो। गुड बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहे हैं? आप सभी को क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना? ठीक है, देखो भाई आपका लीडर बोर्ड आ गया है, राज ने दिया है, निधि ने आंसर दिया है, निधि इज ऑन सेकंड, देन योगेश, देन शेफाली, जपाक्षी, सचिन, संदेश, देन कार्तिक। देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दादा भाई नरोजी। ध्यान रखना ये 1892 से लेकर 1895 तक ही वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ये, ठीक है? और किसमें? ये भी थे हाउस ऑफ कॉमन में, ध्यान रखना हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है? हमारे यहाँ जैसे लोकसभा होता है वैसे ही ब्रिटिश में क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन होता है, वहां पर ये मेंबर थे। ही वॉज द फर्स्ट मेंबर टू बी इन पार्लियामेंट, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इन द हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है? हाउस ऑफ कॉमन के पहले इंडियन थे, और इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा एक चीज और बताओ, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिटरमाइन पॉवर्टी, ठीक है? डिटरमाइन पॉवर्टी, इन्होंने सबसे पहली बार पॉवर्टी के बारे में बताया था, ध्यान रखना। इन्होंने जो किताब लिखी थी वो किताब का नाम किसी को याद है? पॉवर्टी के बाद एक किताब लिखी थी इन्होंने, नेम द बुक रिटन बाय दादा भाई नरोजी। उन्होंने कौन सी बुक ली थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है? इन्होंने ये किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड गुड आफ्टरनून आयुष, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी किताब का नाम था, ठीक है? और सबसे पहले ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिटरमाइन द पॉवर्टी, ठीक है? 1862-63 में इन्होंने किताब का नाम किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है? जिसके ऊपर इन्होंने सबसे पहली बार पॉवर्टी के बारे में बताया था, ठीक है? ये चीज याद रहेगी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी इन हाउस ऑफ कॉमन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपके ऑप्शन शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है? मार्क योर आंसर ऑन द पोल। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द लार्ज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूस, कौन सी ट्रेजेक्ट्री आएगी? तुम लोगों ने बचपन में गेंद नहीं कुछ आ लिए क्या? हाई कैच खेलते थे नहीं खेलते थे? सब मार खाने वाले काम कर रहे हो, खेला करो। हाँ फिजिक्स में आता है, अरे मेरे भाई ऊंची गेंद फेंकते थे, जितना ज्यादा सीधा फेंकते थे उतना ऊंचा जाता था लेकिन दूरी तय नहीं करती थी, याद आया कुछ? वेरी गुड, ऑप्शन देख लो भाई। अब शैफाली सेकंड पर आ गए हैं, राज इज ऑन वन, देन सचिन, गिरीश, निधि, योगेश, अविनाश। अरे मेरे भाई सीधी सी चीज है, एक चीज समझो। अब आप यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप ऐसे ही तो फेंकते थे, ऐसे फेंकते थे ना, तो जितना ज्यादा आप हॉरिजॉन्टल से एंगल रखते थे उतना ही ऊंचाई तक जाती थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाई ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा। और आपको याद भी होगा जब थीटा 45 डिग्री होता था, थीटा जब 45 डिग्री कर देते थे तो मैक्सिमम आर मैक्स हो जाता था, आर मैक्स मतलब रेंज मैक्सिमम हो जाती थी, और हाइट को मैक्सिमम करने के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखना पड़ता था जब आप सीधा सीधा ऊपर फेंकते थे, याद आया कुछ? हाँ ठीक है, तो ऐसे ही आंसर लगते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाता है, ठीक है? तो बॉल जब ऊपर फेंकते थे तो वो सीधी जाती थी, फिर थोड़ा सा टेढ़े फेंकते थे। अच्छा जब हम लोग छोटे होते थे तो पापा लोग लुढ़का कर देते थे, है ना? देखो लुढ़का कर देते थे, हम यहाँ पर खड़े हुए तो हमारे पास गेंद आ जाती थी, फिर हम फेंकते थे तो पता ही नहीं कहाँ चली जाती थी, भगवान मालिक था उसका, है कि नहीं? तो वो जान ही नहीं मिलता था वो कहाँ चले जाता था, ठीक? फिर पिताजी मारते अलग से थे कि तुमने एक तो गेंद भी खो दी, ठीक है? तो याद रहेगा ये, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जितना ज्यादा बड़ा एंगल लोगे हॉरिजॉन्टल से, मोर द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल हायर विल बी द ट्रेजेक्ट्री, मोर द लेस द एंगल फ्लैटर विल बी द ट्रेजेक्ट्री।
फ्लैट आंसर कब होगा? जब थीटा टेंड्स टू जीरो होगा, ध्यान रखना, जब थीटा टेंड्स टू जीरो होगा फ्लैट ट्रेजेक्ट्री होगी, व्हेन थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री देन क्या होगा, हायर ट्रेजेक्ट्री होता चला जाएगा। कर्व ट्रेजेक्ट्री इन दोनों के बीच में, 90 और जीरो के बीच में जब रहोगे तो कर्व ट्रेजेक्ट्री आता है। स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री इज ऑन स्ट्रेट पाथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसमें तीन चीजें आपको याद रखनी होती है, एक तो हाइट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री होता है, एक रेंज ऑफ द ट्रेजेक्ट्री होता है और एक टाइम ऑफ द ट्रेजेक्ट्री होता है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। वेलकम हितेश, वेलकम आरती, वेलकम तीजे। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। चलो ये क्वेश्चन तो सबने किया होगा, आंसर गलत नहीं होना चाहिए वरना उल्टा लटका के मारे जाओगे। कार्तिक, लगभग जनरल अवेयरनेस लगभग सभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, सभी एग्जाम में आ जाता है ये जनरल अवेयरनेस। वैसे भी पता होना चाहिए वरना बच्चों को क्या सिखाओगे, बोले पापा तो कुछ पढ़वे नहीं किए, बोले पापा पढ़े नहीं, पापा सिर्फ गणित लगाए, जीएस पढ़े नहीं। हाँ सीमेट में आएगा, 25 क्वेश्चंस हैं आकाश, 25 क्वेश्चंस हैं सीमेट में, कैट में उतना नहीं आता है, ठीक है। देखो भाई आपका लीडर बोर्ड देख लो, राज, गिरीश, निधि, शैफाली, सचिन, रानी, कौशकी, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। देखो टंगस्टन क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब है जल्दी पिघलता नहीं है, और जल्दी पिघलता नहीं है इसीलिए बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब जो होता है ना उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट आप लगाते हो, टंगस्टन फिलामेंट, तो ये टंगस्टन फिलामेंट जल्दी पिघलता नहीं। आपको पता है जब बल्ब जलना शुरू करता है और एक घंटा अगर जले तो उसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस पर कभी आपने जलते हुए बल्ब को छुआ है? हाँ, इन रेफरेंस विद मैथमेटिक्स विद सीमेट, ये सीमेट में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब ये प्रीवियस ईयर से फिजिक्स से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ गर्म रहता है, ठीक है, तो उनको छूना मत, ये सब काल्पनिक बातें, उसको छुआ मत करो। मैं करंट कराऊंगा श्रद्धा, मैं करा रहा हूं करंट अभी, इसमें और भी क्वेश्चन है, इसमें करंट के क्वेश्चन भी है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैंने करंट नवंबर और दिसंबर का करंट सेंड कर दिया है, ठीक है, नवंबर और दिसंबर का करंट आई हैव सेंड देयर, ठीक है। हाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन लाएंगे कहां से, है ही वही क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक जीके में आप बदल थोड़ी सकते हो कोई चीज, वो तो रिपीट होएगा ही होएगा। सफिशियंट है आकाशी, सही है, इतना पढ़ लो बहुत है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें और भी हो जाएंगी। भावेश, मैंने पिंग कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप, आई हैव पिंग इट। निधि, पिंग कर दिया है मैंने, हाँ बेटा माइनस मार्किंग है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि बहुत ध्यान से वहां आंसर लगाना, नहीं आता हो तो छोड़ देना, ठीक है। हाँ कार्तिक, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और यहां पर समझ लो, यहां पर आप फ्यूज वायर क्या यूज करोगे, अगर आपसे फ्यूज वायर का क्वेश्चन पूछता टंगस्टन ना देता और यहां पूछता फ्यूज वायर, ठीक है, तो फ्यूज वायर के लिए आंसर क्या लगाते? 2019, रानी 2019 का जीएस सीए पढ़ रहा है, वो भी नवंबर और दिसंबर और जनवरी, बस ये तीन पढ़ के जाने आपको, ठीक है, यहीं से आपको मिल जाएगा। अरे सुनो इसका आंसर बताओ भाई, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ज्वाइन, ठीक है। अच्छा अभी समवन आस्क्ड मी अबाउट द नंबर, तो यू कैन राइट माय नंबर, कमेंट मत करना आप, यू कैन हैव माय नंबर, यू कैन सेंड मी, ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सेंड कर देना, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा सुनो, कल मेरी फिर से एक और क्लास है 12:30 बजे, ठीक है, उसका लिंक मैं अभी आपको दे दूंगा, टेंशन मत लेना, अभी क्लास करो, पहले क्लास पढ़ लो। देखो अगर फ्यूज वायर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, उसका लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि फ्यूज वायर का जलना बहुत जरूरी होता है। हाँ मैं सेंड कर दूंगा कौशिक, ठीक है। कार्तिक, इसी जीएस पर ही डिस्कशन होगा, कल मैं जीएस पर ही डिस्कशन करूंगा, ठीक है, आई टेक द जीएस टॉपिक ओनली, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा, सब गलत कर, आधे गलत करोगे इसे। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। हाँ श्रुति, ये मैं भेज दूंगा आपको, जनवरी 2020, नवंबर 2019, दिसंबर 2019, इसका जीएस पढ़ लेना, मतलब करंट अफेयर, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आई विल सेंड इट ओवर देयर। वेलकम मेघना,
मार्क योर आंसर ऑन द पोल. हाँ बेट, हाँ शिवानी मैंने सेंड कर दिया, भेज दूंगा मैं फिर से भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर लो, आई विल सेंड इट अगेन. वेलकम निधि, वेलकम विनय, आंसर मार्क करो भाई. चलो, वेरी गुड निधि, निधि इज ऑन फर्स्ट नाउ, देन शैफाली, देन राज, ग्रीश, रोहित एंड देन सचिन. देखो भाई, इसका आंसर हो जाएगा जीन. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीन. हमेशा याद रखना, जीन इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स. कोई बात नहीं विनय, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, बाद में पढ़ लेना. मेंडल, अरिस्टोटल किसने लिखा है? रामकिशोर तुमको, अच्छा एरिस्टोटल किसने लिखा है? रोहित, अरे बेटा रोहित, एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी. हेरिडिटी, अच्छा किसी ने पूछा हेरिडिटी क्या? बेटा हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांश, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए जो चीजें ट्रांसफर होती हैं. ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए जो चीज होती है उनके उनको बोला जाता है हेरिडिटी, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. जैसे मेरे अंदर मेरे पिताजी के ही गुण आएंगे, और तो किसी के आ नहीं सकते, आपके अंदर आपकी फैमिली के गुण आएंगे. ठीक है, दिस इज नोन एज हेरिडिटी, मतलब ट्रांसफर ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. और इसकी जो यूनिट होती है वो जीन होती है. फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है सर ग्रेगर जॉन मेंडल को. ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, इनको इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही अनुवांश की सबसे बड़ी चीज दी थी, सब कुछ इन्होंने ही दिया था. अनुवांश की पूरी कहानी इसी पर है. बेटा सनाक्षी खत्म हो गई पोल. ठीक है, अच्छा डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जानते हो, ऐसे बनता है, ऐसा कुछ बनता है. ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का. ठीक है, अच्छा कितने लोगों ने पुराने जमाने की मूवी देखी है, उसमें सीढ़ियां देखी हैं, सीढ़ियां ऐसे रोल 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 होकर ऊपर जाती है, तो वो वाली सीढ़ियां जैसा बनती थी वो चीज क्या थी? उसी तरीके का होता है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. और दिए दिया था वॉटसन और क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था ये. ठीक है, आरएनए, आरएनए को कहा जाता है राइबोसोमल न्यूक्लिक, राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक, राइबोन्यूक्लिक एसिड, यही आपका आरएनए मैसेंजर की तरह काम करता है. क्रोमोसोम, इसको गुणसूत्र हिंदी में कहा जाता है, और ये हमारे यहाँ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं. क्रोमोसोम, ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं बताओ जरा, तुम्हारे अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? अरे रोहित, एक्स और वाई तो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, ये सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं. ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं? हाँ 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 22 जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, उनमें चेंज नहीं होता, ऑटोसोमल होते हैं. और जो दो पेयर, एक पेयर जो बचता है उसे सेक्सुअल कहा जाता है, वहीं से मेल और फीमेल डिसाइड होता है. ठीक है, अगर एक्स एक्स आ जाएगा तो फीमेल, एक्स एक्स पर फीमेल होता है. ठीक है, और एक्स वाई पर क्या हो जाता है? मेल हो जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 10. चलो भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा. अच्छा पोल में आपको दे देता हूं, लो पोल लो. मार्क योर आंसर ऑन द पोल. बेटा सौरभ पोल पे मार्क करो, तुम सबको उल्टा लटकाने वाले हैं अब हम. ये बी वाले इतना जल्दी क्यों लगा रहे हो भाई, ये सब ने बी दिया है. शिवानी दे दिया पोल बेटा, अच्छा अच्छा बायोलॉजी बहुत आसान है पता है, अपनी जन अपने को सोचो, देखो बायोलॉजी कितनी अच्छी लगेगी, है कि नहीं. चलो एनीवेज, चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखो, निधि ने सही आंसर दिया है, और फिर शैपाली है, फिर राज है, ग्रीश, रोहित, सचिन. चलो भाई देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बहुत ध्यान से समझना. अब बातें कोई नहीं करेगा, समझ लो. ठीक है, अब बातें कोई नहीं समझ लो. कार्बन और ग्रेफाइट जो होते हैं वो मॉडरेटर्स की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और मॉडरेटर्स का काम होता है किसी भी न्यूट्रॉन को स्लो करना. ठीक है, मॉडरेटर्स को मंदक हिंदी में कहा जाता है. ठीक है, मंदक बोला जाता है. ये क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आपको याद हो तो उसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी है. कौन कौन सी? एक होती है कंट्रोलिंग रॉड्स, इनको बोला जाता है कंट्रोलिंग रॉड्स. ठीक है, कंट्रोलिंग रॉड्स. क्वेश्चन पूछ लिया था कंट्रोलिंग रॉड्स में आप लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हो, तो कैडमियम की रॉड इस्तेमाल की जाती है, ध्यान रखना.
कैडमियम रॉड इस्तेमाल की जाती हैं, कंट्रोलिंग रॉड्स, मतलब ये न्यूट्रॉन को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है ताकि रिएक्शन को कंट्रोल किया जाए। इन रॉड्स को कहा जाता है फ्यूल रॉड्स, ठीक है, इनको बोलते हैं फ्यूल रॉड्स। ये यूरेनियम 235 की होगी या फिर थोरियम की होती है। ध्यान रखना इंडिया के केस में थोरियम आंसर आता है, ऑल्दो जनरली हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इंडिया में थोरियम सबसे ज्यादा है। और इंडिया इज नॉट अ ग्रुप ऑफ एनएसजी, ध्यान रखना इंडिया इज नॉट अ ग्रुप ऑफ, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है इंडिया, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके बाहर बाहर जो होता है उसको कहा जाता है कूलेंट, ठीक है, कूलेंट, कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं किसको, ग्रेफाइट को कूलेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और D2O हैवी वाटर इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसको ठंडा रखा जा सके, ठीक है। तो यहाँ तीन चीजें आपको याद रखनी है, कंट्रोलिंग रॉड्स, फ्यूल रॉड्स और कूलेंट, तीन बातें याद रखनी है। फ्यूल रॉड्स यूरेनियम और थोरियम की होती है, कूलेंट जो होता है ग्रेफाइट और हैवी वाटर होता है, कंट्रोलिंग रॉड्स में कैडमियम की रॉड्स यूज की जाती है, ठीक है, कहीं कहीं पर बोरॉन की रॉड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कूलेंट तो कार में भी होता है लेकिन कार का कूलेंट अलग होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कूलेंट आप इस्तेमाल करते हो वो D2O इस्तेमाल करते हो, हैवी वाटर इसको बोला जाता है, ठीक है। अरे थम्सअप दो अगर समझ में आया तो, सभी लोग थम्सअप दो। चलो तब तक आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया, ये क्वेश्चन का आंसर जो बताएगा उसको मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा, ठीक है। चलो इसका आंसर दो, उसको मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, आंसर दो इसका, मार्क योर आंसर, व्हाट इज द साइंटिफिक, अच्छा डेलोनेक्स रिजिया रेफिन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ कौशिकी, बेटा मार्क योर आंसर ऑन द पोल, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, सबने आंसर दिया है। चलो भाई गुलमोहर, हाँ गुलकंद, अरे गुलकंद नहीं होता है, गुलमोहर नहीं जानते, गुलमोहर एक बहुत अच्छा पौधा होता है। अच्छा निधि ने आंसर दिया राज, देन ग्रीश, देन सैफाली, सचिन, प्रशांत एंड द लिस्ट गोज ऑन। देखो भाई डेलोनेक्स रिजिया रैपिन जो है वो गुलमोहर का एग्जाम आंसर होता है, ठीक है, गुलमोहर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा बनियन ट्री का लिख लो, आप लोग याद कर लेना, पूछ सकता है, फाइकस बेंगलेंसिस, ठीक है, फाइकस बेंगलेंसिस, फाइकस बेंगलेंसिस। अच्छा टेमेरिंडस का अच्छा है, आसान है इसका, टेमेरिंडस, टेमेरिंडस इंडिका, टेमेरिडस इंडिका, ठीक है। चीकू, चीकू का आप सब लोग जानते हो, इसका होता है मेलिन कारा जपोटा, ठीक है, मेलिन कारा जपोटा, हाँ मेलिन कारा जपोटा होता है। रोहन दीज आर द साइंटिफिक नेम, दीज आर द साइंटिफिक नेम, ठीक है। अच्छा अपना बताओ साइंटिफिक नेम क्या है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम बताओ, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, हाँ ग्रीक है ये, ग्रीक और लैटिन वर्ड्स ही होते हैं। देखो अपन भारतीय वाले जो हैं वो पॉपुलेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देते ही नहीं थे। अच्छा सबको पता है, देखो भाई ह्यूमन का नाम ढंग से याद कर लेना आप, होमो सेपियंस सेपियन, ठीक है, होमो सेपियन सेपियंस है नाम पूरा, ठीक है। अब डबल सेपियंस हम लोग जोड़ते हैं क्योंकि हम लोग जो पिछले लोग थे उनसे एक स्टेप आगे आ चुके हैं, ठीक है, तो हम लोगों का जो नाम हो गया वो होमो सेपियन सेपियंस है, ठीक है, ह्यूमन का नाम हो गया। अच्छा मैंगो का नाम बताओ जरा, मैंगो ये तो भारतीय है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आम का बताओ, हाँ मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा, मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है, मैग्निफेरा इंडिका नाम है मैंगो का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है, तो कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, अब देखो एक इन्फॉर्मेशन, मेरा अभी अर्थमेटिक का एक कोर्स क्लास चल रही है, आज भी उसमें क्लास है मिक्सचर एलिगेशन की, ठीक है, आप लोग जो लोग सब्सक्रिप्शन में हो वो इस क्लास को ज्वाइन कर लेना, और जो लोग सब्सक्रिप्शन में नहीं है वो लोग सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सब्सक्राइब इन द कैट कैटेगरी, अगर आप चाहो तो कैट 2020 के लिए चीजें आप ले सकते हो, ठीक है। अभी आपका नवंबर में कैट 2020 का एग्जामिनेशन होगा, यू कैन गो विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड शैलेंद्र 1903,
ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करना मत भूलना बेटा। क्वेश्चन डिटेल में नहीं आते एक क्वेश्चन से, यू हैव टू प्रिपेयर मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर लो बेटा। अनुजा खाली सीमेट के लिए तो आप सीमेट का पेपर ही है 28th को, तो ठीक है खाली 28th को अगर पेपर है तो यू कैन गो विद 1 month। अगर 1 month के लिए जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा वो। श्रद्धा क्लास मेरी होगी 7 बजे शाम को, ठीक है, एवरीडे क्लास होती है 7 to 9 PM, मैं क्लास लेता हूँ शाम को अरिथमेटिक की, ठीक है। अभी एडवांस वाला पोर्शन भी आने वाला है, ज्योमेट्री की क्लास हो सकता है 16 तारीख से लॉन्च हो जाए, तो दैट विल गिव यू, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, क्लियर। तो आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, पोल आ गया है, पोल पर मार्क करो। श्रद्धा अगर आपका एग्जाम है तो आप 1 month वाला ले लो, ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड, वहां पर मैंने अभी अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं, ज्योमेट्री शुरू करूंगा मैं, और जीएस का भी हो सकता है प्लस बैच आ जाए, ठीक है। चलो मार्क करो आंसर, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। वैभव रिफ्रेश करो, पोल आ जाएगा। चलो 52% लोगों ने आंसर सही दिया है केवल, ठीक है। निधि इज ऑन फर्स्ट, देन राज, देन प्रीश, देन सचिन, रोहित, शैपाली, प्रशांत एंड द लिस्ट गोज ऑन। देखो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑर्निथोफिली। ध्यान रखना जब भी प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय बर्ड आएगा तो वो ऑर्निथोफिली हो जाता है। इनैटमोफिली इंसेक्ट से होता है, ठीक है, इंसेक्ट से होगा। इनैटमोफिली इज नोन एज इंसेक्ट। एम्ब्रियोफिली इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो का स्टडी होता है। हाइड्रोफिली इज विद वाटर, ठीक है, हाइड्रोफिली जो है वो वाटर से होता है। हाँ सचिन बेटा है ब्यूटी बेटा, इसको स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड जो होती है वो ऑर्निथोलॉजी होती है, ठीक है। यहाँ फिली बोला गया है, कहीं पर भी वर्ड फिली आ जाए, अब देखो बायोलॉजी में जुगाड़ कैसे लगाते हैं, कहीं पर भी वर्ड फिली आ जाए इसका मतलब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, और पॉलिनेशन कैसे होगा उसका नाम आगे उसने दे रखा होगा, ठीक है। रोहित इसका सेकंड पार्ट है, ये पहला पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है वहां पर, ठीक है, आप पहला पार्ट पढ़ लेना वहां पर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बायोलॉजी इज एन इजी सब्जेक्ट, अपने बारे में ही तो पढ़ना है, ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड, ठीक है। अच्छा इनैटमो ये हो जाएगा इंसेक्ट का, हाइड्रोफिली हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, who is known as the father of Indian civil services, mark your answer on the poll। mark your answer on the poll। ठीक 29% लोगों ने केवल आंसर दिया है सही, बाकी सबका गलत हो। अच्छा 30% हो गया। चलो भाई देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज को लाने के लिए सबसे पहले काम किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। सर विलियम बेंटिक को क्या बोला जाता है, हाँ कौशिक वो मैंने आंसर देना भूल गया था, मैं वो कमेंट में उसमें टिक करना भूल गया था, तो इसलिए ध्यान रखना, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा विलियम बेंटिक को क्या बोला जाता है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एबॉलिश सती प्रथा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एबॉलिश सती प्रथा, ठीक है, जो सती प्रथा का एबॉलिशमेंट था वो विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। हाँ ही ब्रॉट इंग्लिश टू इंडिया ऑल्सो, कॉर्नवालिस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। जो लोग खाली बैठे थम्सअप ही दे दिया करो, गुड, मार्क योर आंसर और थम्सअप देते चलो सब लोग। जो लोग खाली हो गए थम्सअप दो,
वेरी गुड। देखो भाई मार्क योर आंसर ऑन द पोल। चलो भाई पोल इज अबाउट टू एंड। हाँ कार्तिक सही है आपका आंसर। ठीक है राज ने पहला आंसर है, फिर निधि है, फिर सचिन है। देखो इसका आंसर है यमन। ठीक है अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो लिस्ट आई थी उसमें यमन इज एट द लास्ट पोजीशन। ठीक है और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? आइसलैंड। ठीक है याद रखना फर्स्ट जो है आइसलैंड है, आइसलैंड के बाद है फिनलैंड। ठीक है फिनलैंड है, नॉर्वे है, ये लोग जो है ये जो कंट्रीज हैं ये फर्स्ट पोजीशन पे है। यमन है, अगर यमन ऑप्शन में नहीं होता तो पाकिस्तान आंसर होता। ठीक है अगर पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं होता तो सीरिया आंसर। सबसे लास्ट में है यमन, सेकंड लास्ट जो है, जो सेकंड लास्ट है वो पाकिस्तान है। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन ध्यान रखना 112वें नंबर पर है अपन। ठीक है 112 पोजीशन। 2018 में अपन थे कितने पर? 108 पोजीशन पर थे। वी हैव स्लिप टू 112 पोजीशन इन 2019। 2019 में अपन 2012 में आ चुके हैं। ठीक है हाँ सही कह रहे हो जपाक्षी आप। हाँ सबसे कम है कौशिक, सबसे कम है आइसलैंड में, उसके बाद है नॉर्वे में, उसके बाद है फिनलैंड में। ठीक है वहां बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं। आइसलैंड आपको पता है दुनिया का सबसे हैप्पी देश कौन सा है? विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हैप्पीएस्ट स्टेट कंट्री? फिनलैंड है भाई। फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री, पता है फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। ठीक है कोबाल्ट पूछा गया है, चलो भाई इसका आंसर बताओ। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। वेरी गुड, थम्स अप भी देते चलो साथ में। 54% ए को मिले हैं, 20% बी को मिले हैं, सी को मिलते हैं 15%। चलो वेरी गुड। हाँ आ रहा है बेटा, आ रहा है रानी, टेंशन मत लो, आ रहा है अभी। चलो अभी आया ना करंट 2019 का भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। ठीक है राज इज ऑन द फर्स्ट, देन निधि, देन सचिन, गिरीश, प्रशांत। ठीक है श्रुति पोल खत्म हो गया बेटा। हाँ कार्तिक आ जाते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि समझ ही। चलो यहां देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट जो होता है वो सी बी 12 में होता है। देखो बी 12 का जो नाम है उसको बोला जाता है कोबालामीन, कोबालामीन। ठीक है बी का जो नाम होता है कोबालामीन होता है। ठीक और इसी में कोबाल्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक B6 को कहा जाता है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड कहा जाता है। B3 को कहा जाता है नियासिनिक एसिड, नियासिनिक एसिड। ठीक है नियासिनिक एसिड होता है। B9 होता ही नहीं है, B9 एक्चुअली प्रेजेंट ही नहीं होता है। क्वेश्चन स्टैटिक से रोहित लगभग लगभग मानकर चलो क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन स्टैटिक के होंगे। ठीक है 12 से 15 क्वेश्चन स्टैटिक होंगे। करंट बेसिकली 5 ही पूछा जाता है, करंट इससे ज्यादा पूछते नहीं है वो, तो हो सकता है इनकी संख्या 20 भी हो जाए, तो आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है तो यहां ध्यान रखना कोबाल्ट का इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है विटामिन ए का नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम बताओ, केमिकल नेम, साइंटिफिक नेम नहीं होता इसमें, केमिकल नेम होता है। बताओ विटामिन ए को क्या कहते हो? विटामिन ए केमिकल नेम। अनुज मैं मैथ भी पढ़ा लेता हूं, मैं बायोलॉजी भी पढ़ा लेता हूं और साइंस बेसिकली। ठीक है जीएस और मैथ मेरा टॉपिक है। वेरी गुड राम किशोर, इसको कहा जाता है रेटिनॉल। ठीक है इसको बोलते हैं रेटिनॉल, पूछ लेता है। विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक और विटामिन डी को क्या बोलते हो? विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जानते हो, विटामिन डी को ही कहा जाता है सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। ध्यान रखना आपसे कहा जाता है कि सुबह की धूप में घूमना चाहिए, तुम लोग की सबेरे 12 बजे होती है, उस वाली धूप में नहीं घूमने को कहा गया, उसमें काले हो जाओगे। ठीक है तो सुबह वाली धूप जो सबेरे 5 बजे होती है उसमें उठते नहीं हूं। ठीक है तो उस वाली धूप में घूमने को बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आपके शरीर पर सनशाइन पड़ती है तो विटामिन डी बनती है। ठीक है तुम लोग तो विटामिन जी लेने लगते हो, घर से बाहर निकले नहीं कि विटामिन जी शुरू। विटामिन जी जानते हो ना, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले जानते होंगे।
ठीक है चलो एनीवेज एक सेकेंड। अरे 5 बजे उठोगे तब 6 बजे निकल पाओगे अनुज। हाँ वेरी गुड, सही पकड़े हो अमन, तुम बढ़िया आदमी हो। अरे विटामिन जी यार, हम लोग क्या जो ठीक है चलो हम लोग क्या कर रहे थे। हाँ ठीक है चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन 2019 करंट का क्वेश्चन, चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। ये क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं, इनमें बड़ा मजा आता है क्वेश्चन करने में। अच्छा पोल, लो भाई पोल मार्क करो। अरे इतना भी अच्छा नहीं होता डी भाई। कार्तिक तुमको बहुत सही, वेरी गुड। प्राची डी आंसर नहीं होगा ठीक है। और देखो टेंशन लेके कुछ होता नहीं है, मजे लो पढ़ाई करो, मजे करके पढ़ाई करो। लकी आंसर मार्क करो पोल पर। मार्क योर आंसर ऑन द पोल। अच्छा अब तो पोल खत्म होने वाला है। चलो भाई हेयर इज योर लिस्ट, राज निधि एंड सचिन आर लीडिंग द लैडर बोर्ड। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ठीक है, जो आया था ये इंडेक्स सबसे पहली बार अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था ठीक है। इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आउटकम को देखते हैं और आउटकम बेस्ड इंडिकेटर है एनर्जी एफिशिएंसी का ठीक है, जिसमें हम लोगों ने किसकी बात की थी, सोलर पैनल की बात की थी। देखा होगा आपने अब तो गांव के मतलब जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं अब सोलर पैनल को बढ़ावा देते हैं ठीक है। आपने देखा होगा पंजाब में सोलर पैनल के पूरे पूरे खेत बनाए गए हैं वहां पर ठीक है। तो डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग इसकी यूज करने की शुरुआत कर रहे हैं ठीक है। इट हेल्प स्टेट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशनल गोल ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, ताकि हमको रिन्यूएबल रिसोर्स मिलता रहे, हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का काम कम करना है ठीक है। कोल को कम करना है, लकड़ी का काटना कम करना है, तो उस चीज को कम करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वाटर पंप, हाँ वाटर पंप को चलाने के लिए भी हम जो अब तो सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाने लगा है, और इसका इस्तेमाल करने का जो सबसे अच्छा रीजन होता है वो होता है केमिकल क्लाइमेटिक एक्शंस, क्योंकि हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक ही तरीका है, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओगे तो कोयला नहीं मिलेगा, कोयला नहीं मिलेगा तो जलाओगे क्या, जलाने के लिए कुछ तो अल्टरनेट सोचना पड़ेगा। तो ये एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को बनाने के लिए किया गया है। पीयूष गोयल ने इसकी शुरुआत की थी जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी थे ठीक है। और इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एंड, नहीं ये गलत है, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नहीं, उसको बोला जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इमिशन ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इमिशन द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान रखना, ये थर्ड वाला नहीं होगा इसमें, इसलिए नन ऑफ दी ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता ठीक है। इसके कौन जारी करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी कमीशन ठीक है, ये ध्यान रखना। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी बोलते हैं, इमिशन भी बोला जाता है ठीक है। नहीं नहीं डेवलप नहीं किया है बेटा, डेवलपमेंट अलग चीज होती है, डेवलप नहीं किया है। हाँ बेटा मेहुल, इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अच्छा सुनो अब दूसरी बात सुन लो जरा, एक बात सुनो मेरी, अब आपकी कल एक क्लास होगी जीएस की ही क्लास है, उसमें हम सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे ठीक है। कल मैं आपको जनवरी का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा ठीक है, कल क्लास होगी जनवरी का करंट अफेयर ठीक है। मैं उस क्लास का लिंक आपको दे दे रहा हूँ, उस क्लास का लिंक मैं आपको दे देता हूँ, आप उस चीज को ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है। ये क्लास का लिंक है, आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें ठीक है। कल इसमें हम करंट के ही क्वेश्चंस करेंगे ठीक है, और ग्रुप में भी मैं वो पीडीएफ भेज दूंगा, नवंबर दिसंबर की मिल जाएगी आपको पीडीएफ, टेंशन मत लेना ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन पोल, पोल पर मार्क करो, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। हाँ 12:30 बजे ही है बेटा रानी, 12:30 बजे ही होगी क्लास। वेलकम अंकिता,
आंसर मार्क करो पोल पर। अरे तुम लोगों ने तो बायोलॉजी हिंदी में नहीं पढ़ी है, अपने तो यूपी बोर्ड में हिंदी में पढ़ी थी, और आधे से ज्यादा तो राक्षस के नाम है इसमें, समझ ही नहीं आता, वो राक्षस के नाम ही याद नहीं होते। रोहित, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तीन। अच्छा ये काम किया था, तुक्के मत लगाया करो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज मच फास्टर रेट एट रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जो कि प्लांट के अंदर होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। ये फूड प्रिपेयर करने के लिए होती है, इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये हर ग्रीन पौधे में होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है, जहां पर आपको क्लोरोफिल मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ लंग्स है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन इज मच स्लोअर प्रोसेस, ठीक है। और रेस्पिरेशन में भी एनर्जी का यूज होता है, ध्यान रखना एनर्जी यूज होती है। और रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है, एक होता है एरोबिक, AERobic, एरोबिक, और एक होती है एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 का इस्तेमाल होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में O2 का इस्तेमाल नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब आप किसी कमरे के अंदर बंद हो जाते हो, ठीक है। श्रुति, जीएस के क्वेश्चन आएंगे 25, जिसमें से लगभग 5 क्वेश्चन तो सीए होगा, करंट अफेयर होगा, ठीक है। तो बंद कमरे में जो होता है उसे सफोकेशन कहते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो खुले आसमान में आप लोग लेते हो शेर की तरह, ठीक। हाँ वेरी गुड राहुल, ठीक है। तो वो खुले आसमान में जो लेते हो वो O2 होती है, मस्त आराम से सांस ले रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। और जैसे ही बंद कमरे में सफोकेशन हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू, और आपकी डेथ भी हो सकती है इस केस में। और ध्यान रखना कोल जलाकर कभी भी मत सोना, ठीक है। कहा जाता है कि कोल की जो एयर होती है उसके अंदर CO पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे आपका ब्लड जो होता है वो डेड हो जाता है, ब्लड डेड नहीं होता, हीमोग्लोबिन डेड हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन डेड हो जाता है, ठीक है। तुम सबका हीमोग्लोबिन पता है, ब्लड ग्रुप पता है ना सबको, अपना अपना ब्लड ग्रुप, हाँ ठीक है, पता कर लेना ब्लड ग्रुप, ठीक है। कभी डिस्कशन करेंगे ब्लड ग्रुप पर, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। पोल में शुरू कर रहा हूं, ठीक है। मार्क योर आंसर ऑन द पोल, जबरदस्ती मार्क मत करना, तुम लोग बहुत मार खाओगे। अरे इतनी जल्दी तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाएगे, जबरदस्ती आंसर। हाँ प्रशांत, मैं सेंड करूंगा ग्रुप पे, ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तुम सब मार खाने वाले काम कर रहे हो, इतनी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लेते हो क्या, मतलब तुम लोग को तो फिर वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, चलो जब हम अपनी शादी की बात करने जाएंगे तो तुम लोग को लेके चलेंगे, कम से कम जल्दी बात तो कर लोगे। ध्रुवी, अभी क्वेश्चंस हैं बेटा, 25 क्वेश्चन आज डिस्कस करने थे, ठीक है, अभी देखते हैं कितने क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। अच्छा देव भाई, आपका लेटर बोर्ड ये रहा, राज इज ऑन फर्स्ट, देन निधि, देन प्रशांत, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। देखो कैसे होगा, ब्रह्मोस जो है वो हमारी रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा बनाई गई है, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर है इंडिया का इसरो द्वारा एंड एनपीओ ऑफ मेनिस्टो वेस्टेरेनिया, ठीक है, जो रशिया की है, ठीक। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन्स, ये बेसिकली सबमरीन्स के लिए बनाई गई है, शिप्स, एयरक्राफ्ट, ये लैंड, वाटर और एयर तीनों के लिए बनाई गई है, ठीक है। और इंडिया और रशिया हैव एग्रीड टू डबल द रेंज ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया अब किसमें आने वाला है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम में आने वाला है, ध्यान रखना ये चीज। अभी मैं इंडिया शामिल नहीं है, इंडिया शामिल हो जाएगा, ठीक है। और ये रशिया के साथ वेंचर है, कौन सा, रशिया के साथ एनपीओ के साथ, और इंडिया का कौन सा है, इसरो के साथ, रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस एयरवेज, आप लोगों ने ब्रह्मोस का नाम सुना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करो, मार्क योर आंसर, चलो पोल थोड़ी देर में देंगे, चलो आंसर, चलो पढ़ जल्दी से पढ़ो इसको। वेलकम एमडी, हाँ ब्रुटी, ये क्वेश्चन तो पूछा गया, ये आईएएस का क्वेश्चन है,
जो आप लोग आईएएस में जो लोग तैयारी करते हैं ना, वहां से ये क्वेश्चन दिया है मैंने, तो आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। चलो अब मैं पोल शुरू कर रहा हूं, मार्क योर आंसर ऑन द पोल, मार्क करो। वेरी गुड, 60% मिलते हैं डी को, ए को मिलते हैं 32%। अब ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं, ये सारे करंट के, ये क्वेश्चन तो आपका आपके पेपर का ही है, ये सीमेट का पेपर का ही क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था, स्लॉट वन में, स्लॉट वन का क्वेश्चन है ये। चलो जल्दी जल्दी मार्क करो इस क्वेश्चन को, और जिन लोगों ने अभी वो ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप, वो ज्वाइन कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्लास को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये आपका लीडर बोर्ड है, राज इज ऑन द फर्स्ट, देन निधि, देन प्रशांत, ठीक है। अब देखो इसमें कहा गया है एचआईवी और एड्स प्रिवेंशन बिल 2017, ये बिल पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, और इट सीक्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ एचआईवी एंड एड्स, ठीक है, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है। दूसरा है एंटी रिट्रोवायरल वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया था, एजोटाविर, एजोटाविर नाम है, ठीक है, एजोटाविर ड्रग का नाम है, जिन लोगों को एचआईवी पॉजिटिव होता है उनको एजोटाविर दिया जाता है, रोटानाविर दिया जाता है, रोटानाविर, ठीक है। तुम लोग बहुत पढ़े लिखे बच्चे हो, तो आप लोगों को ऐसी ड्रग्स के नाम पता होने चाहिए ताकि किसी की मदद कर सको, ठीक है। टू सेफ गार्ड द प्रोविजन ऑफ एचआईवी पॉजिटिव पर्सन, एवरी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 हैज अ राइट टू रिसाइड, टू शेयर द हाउस होल्ड एंड इंजॉय द फैसिलिटी ऑफ हाउस होल्ड। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेवर डिस्क्रिमिनेट विद एनी पर्सन हु इज एचआईवी पॉजिटिव, क्योंकि एचआईवी छूने से नहीं फैलता। डीडी वन देखते थे ना, डीडी वन पे आता था, एचआईवी फैलने से नहीं, वो छूने से नहीं फैलता, जानकारी ही बचाव है, ठीक है। जल्दी से थम्स अप दो, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चलो भाई इसका आंसर बताओ। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। हाँ विवेक ओबराय का ऐड आता था, ठीक है, बड़ी मजेदार चीजें आती थी, डीडी वन से ही बहुत सारी नॉलेज मिल जाती थी, है नहीं। चलो इस क्वेश्चन का पोल शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो मार्क योर आंसर ऑन द पोल, डी इज लीडिंग विथ 40%, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बच्चों, तुम लोग पढ़ाई करते हो हैं, पढ़ाई करो एंड क्रैक द सीमेट, ठीक है। वेलकम प्रिया, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। चलो भाई पोल रिजल्ट आने वाला है, ये रहा, ठीक है, राज, निधि, प्रशांत, ठीक है। चलो देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इंडियन क्लासिकल डांस पूछा गया है। तो पहला वाला जो आपसे कहा गया है काली घाट पेंटिंग, काली घाट पेंटिंग जो डांस फॉर्म होता है ये आर्ट फॉर्म है एक्चुअल में, और ये वेस्टर्न वेस्ट बंगाल का होता है। एक होता है पच्ची पच्ची तारा, पच्चित्रा पेंटिंग, पच्चित्रा पेंटिंग जो है वो उड़ीसा की है, और एक वर्ली फॉल पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र की है, ठीक है। वर्ली ली सी लिंक आपको याद होगा, वर्ली सी लिंक भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ली सी लिंक कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में है, याद है, मुंबई के पास महाराष्ट्र में है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम। हाँ बेटा मेहुल इस क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके में आप बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। करंट वाले नए आते हैं क्वेश्चंस, करंट नए क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बंद्रा वर्ली जो आता है ना, वर्ली सी लिंक जिसको बोला जाता है। कौशिक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया था, अच्छा चलो मैं अभी दोबारा दोबारा दे देता हूं, ठीक है, रुको एक सेकेंड मैं भी दे रहा हूं, ज्वाइन कर लीजिए इस ग्रुप को, ये मैंने पिंक कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने पिंक कर दिया है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। होम मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C एंड ऑल्सो डेडिकेटेड द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये अभी 2019 का क्वेश्चन है, ये 2019-2020 जनवरी में अभी इसका लॉन्चमेंट हुआ है, ठीक है, 10 जनवरी की न्यूज है ये, अगर आपने पढ़ी हो तो, ठीक है, 10 जनवरी को ये चीज पूछी गई है। चलो बताओ कौशकी बेटा क्या चीज नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा, व्हाट्सएप लिंक नहीं आ रहा है, अच्छा अच्छा
व्हाट्सएप लिंक नहीं आ रहा है, लिंक विजिबल नहीं है क्या? एक सेकेंड, हाँ मैंने पोल अभी शुरू ही नहीं करी है। क्वेश्चन पढ़ लिया तुम लोगों ने? चलो अब मैं पोल शुरू कर रहा हूं, ठीक है? आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोल, ठीक? चलो भाई आंसर मार्क करो, मार्क योर आंसर। अच्छा पिंग कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? कौशिकी बेटा रिफ्रेश करो, मार्क योर आंसर। अच्छा तुम लोग बड़े नालायक हो, तुम लोग जहां ऑल ऑफ द अबव देखते हो सीधे आंसर ऑल ऑफ द अबव करते हो। वेलकम अमित, ठीक है चलो वेरी गुड, 79%। आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखो याद करने वाली चीज क्या क्या है, देखो राज फर्स्ट पे है, देन निधि, देन प्रशांत। अच्छा अच्छा वेरी गुड, हाँ वहां पे भी दिया होगा ये क्वेश्चन। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इज अ सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव, ठीक है? सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है, कैन बी एक्सेस बाय कंसर्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू टेक एक्शन, ठीक है? इट एनेबल फिलिंग ऑफ ऑल साइबर क्राइम, ठीक है? तो आप ध्यान रखना, अब तुम लोग साइबर क्राइम बंद कर दो, ठीक है? हाँ साइबर क्राइम बंद कर दो, मतलब किसी को छेड़ना बंद कर दो ऑनलाइन, तुम लोग बहुत मजे लेते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ये आपके सीमेट का क्वेश्चन है, आंसर मार्क करो पोल पर, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। ये सीमेट का क्वेश्चन है, ये 2019 का स्लॉट वन का, स्लॉट वन का क्वेश्चन है, मार्क योर आंसर ऑन द पोल। चलो भाई मार्क कर दिया सभी ने, थम्स अप दो जल्दी से। देखो भाई राज निधि प्रशांत, ठीक है? चलो अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है? ये आपके जो थे इन्होंने ही सबसे पहली बार ये कहा था, द ग्रेटर द नंबर ऑफ फोर्ट्रेस यू होल्ड द बीकर यू विल बी द बीकर विल बी योर पावर, लेट ऑल अवर फोर्सेस विल बी ऑन सी बिकॉज इफ वी शुड नॉट बी पावरफुल एट द सी एवरीथिंग एट वंस बी अगेंस्ट अस, ठीक है? लेट इट बी, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, लेट्स क्रैक इट, क्या बोलना है, लेट्स क्रैक इट, ठीक है? ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यूज माय रेफरल कोड, ठीक है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, मजा आया? अगर मजा आया तो जल्दी से थम्स अप दो, ठीक है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हाँ कल मैं स्टैटिक भी कराऊंगा, पहले तो मैं करंट कराऊंगा, ठीक है? करंट के क्वेश्चंस भी आपको देने हैं, ठीक है? अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो कैट 2020 का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, यूज माय रेफरल कोड, ठीक है? रेफरल कोड लेना मत भूलना, यूज माय रेफरल कोड शैलेंद्र 1903, ठीक है? चलो कल मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।